गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 6 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख लेना। और अगर समझाने का तरीका बच्चों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन देखो हमारे पास है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। आप देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि जो आपका 90 डिग्री बनाना है वो A पर बनाना है। तो देखो एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ये किस पे निकलता है, ये तब आपका तीनों मान निकलता है जब ये आपका 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण हो। तो देखो यहाँ हमने बना दिया A बराबर बना दिया 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री का ये आपका 90 अंश का मान होता है। अब इन्होंने देखो क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ लिख दो कि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर ये इन्होंने दिया हुआ है। अब देखो A के बाद B और C हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ C ले लिया। अब देखो ये BC, इसके बाद AB का मान कितना दिया है, देखो AB का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और आपके पास AC का मान देख लो, यहाँ से AC का मान है आपके पास 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, अब देखो इसको मैंने ये थीटा माना, अगर जब हम इसको थीटा मानते हैं तो आप देखो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, इसके नीचे जिस पर थीटा बना होता है ये होता है आधार, और लंब के सामने की भुजा ये होती है आपकी कर्ण। अब आपके पास देखो लंब भी है और ये देखो आधार और लंब दोनों है, आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए आपको तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपके पास कितना है, ये देखो ये थीटा हमने माना तो लंब हमारे पास यहाँ 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, आधार हमारे पास 6 है, हमने 6 का स्क्वायर लिख दिया। देखो 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 और ये 6 6 36, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया 100। अब यहाँ से स्क्वायर हट के रूट में बदल गया, जब रूट हट गया तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। देखो 10 स्क्वायर का मतलब दो बार नंबर यानी 10 10 100, यानी कर्ण आपको कितना मिल गया, कर्ण का मान मिल गया आपको, कर्ण का मान मिल गया 10। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपके पास कि साइन बी निकालना है आपको। देखो बी इस पर थीटा एंगल कितना है, बी एक आप फॉर्मूला याद कर लो, देखो लाल LALKKA यानी लाल का मतलब, एक तो मैंने आपको 6 वो सिखाए थे कौन कौन से फॉर्मूले, क्वेश्चन इसके पहले के देखना उसमें बताया, अभी मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बच्चों इसको सीरियल वाइज याद कर लो, फिर से सुन लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, ठीक, साइन कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, फिर देखो लंब बटे आधार, फिर अगला यहाँ से आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो साइन यानी साइन बी पर अगर आप देखो, अब इस पर आप अपने इस पर देखो त्रिभुज पर देखो, यहाँ अगर हमारा ये बी था तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन क्या होता है लंब बटे, भाई देखो आपने साइन की वैल्यू कितनी निकाली, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी इसमें लंब कितना है आपके पास, लंब देखो इसमें आपके पास 8 है, कर्ण आपके पास 10 है। आप यहाँ लिख दो, देखो साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण यानी लंब 8 था और कट हो गया तो कितना हो गया 2 4 2 5 यानी हो गया 4/5। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है साइन सी, इस बार हमें थीटा किस पर बनाना है, देखो इस बार हमें थीटा बनाना है सी पर, जब सी पर थीटा हो गया तो क्या हो गया, ये आधार हो गया, यहाँ आपके पास ये लंब हो गया, तो साइन सी की वैल्यू कितनी होती है, ये भी वही होता है लंब बटे कर्ण, लंब इस पर हमारे पास कितना है, लंब है हमारे पास 6 और कर्ण है हमारे पास 10। फिर देखो ये हमारे पास हो गया, यहाँ देखो 6/10 कट कर दिया तो हमारे पास आ गया देखो 3/5। अगला को देखो टेन बी क्या होता है, टेन बी मतलब साइन कॉस टेन यानी लंब बटे आधार। अब टेन हमें बी पर निकालना है यानी यहाँ आपके पास भी लंब बटे आधार कितना, लंब का मतलब ये वाला लंब, आधार हो गया 6, लंब हो गया 8। यहाँ देखो आधार हमारे पास यहाँ या टेन बी कितना निकला, देखो लंब बटे लंब हमारे पास कितना था 8 और आधार था 6, कट हो गया तो 4/3 निकल आया। अगला देखो हमारे पास है सेक बी, सेक क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक यानी नीचे से ये वाला कर्ण बटे आधार,
कर्ण, अब यहाँ देखो हमें सेक बी निकालना है, फिर थीटा बी पर हो गया आपके पास, और बी पर कितना, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है इस पर देखो 10, और आधार है आपके पास 6, और 10 और 6 लिख दिया, देखो कट कर दिया तो 5/3 आ गया। अगला है कॉट सी, कॉट सी की वैल्यू क्या होती है, फिर से सुन लो, साइन कॉस टैन, कॉट यानी आधार बटे लंब। यहाँ अब इसको देखो, ये फिर से देखो, यहाँ पर सी को हमने थीटा मान लिया तो कितना हो गया, सी थीटा हो गया तो ये आधार हो गया, यानी आधार हमारे पास 8 है, लंब हमारे पास कितना है 6, हमने लिख दिया देखो ये आपका देखो 8/6 कट कर दिया तो 4/3 आया। अब लास्ट का देख लो एक और, कॉसेक सी, कॉसेक सी का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब, आप देख लो ये कर्ण बटे लंब, कर्ण और लंब सी, अब देखो यहाँ पर थीटा आपके पास सी है ना, कर्ण की वैल्यू 10 हो गई और आपके पास लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपके पास 8, यहाँ लिख दो देखो, ये देखो 10/ आपके पास कितना हो गया, 10/6 कट हो गया तो 5/3 आ गया। बच्चों इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन पूरा हुआ, अगले क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी, मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय बच्चों।